ফাঁকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাশোর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। Hey, good morning everyone, कैसे guys? I hope कि अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हमारे नए एक दुर्गा पूजा प्रिपरेशन वीडियो में। तो आप लोगों के साथ आज हम लोग जाने वाले हैं लाल किला देखने, तो दिल्ली में नहीं हमारे गुवाहाटी में ही तो लाल किला जाने वाले हैं। और आप लोग इतना सारा कमेंट किया भाई साहब कि इधर जाओ और बेलतल्ला लक्खी मंदिर वहाँ भी जाऊँगा। और वेट करो, एक कल या परसों गारंटी मैं जाने वाला हूँ बेल, क्योंकि ऑलरेडी गया था ना मैं, तो कमेटी मेम्बर से बात नहीं हो रहा, काम चल रहा है, कमेटी मेंबर से बात नहीं हुआ, इसीलिए आपका वीडियो वहाँ पे नहीं आ पा रहा है। टाइप के रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। कमेटी मेंबर से भी बात कराऊंगा आप लोग को, और जितना भी कारीगर है उन लोग से बात भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या बनने वाला है और किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा है। तो हम लोग आ चुके हैं लाल किला के जस्ट पास में, और पहले तो आप लोग लोकेशन देख लो, लोकेशन क्या पड़ता है ये। तो ये है आपका ये लोकेशन, ये बिष्णुपुर का जो आपका मंदिर है यहाँ पे, अब बिष्णुपुर NS रोड काटपुल मानने से आप लोग आ जाएगा। एक क्लब एस्टेब्लिश 1984 से हुआ है, आप लोग ये चीज़ नोटिस कर लो और लोकेशन फर्स्ट देख लो आप लोग। उसके बाद जो गुवाहाटी के लोकल हैं उन लोगों को तो पता है, जो बाहर के उन लोगों को पता नहीं है कि माँ दुर्गा रघु मोने उल्लासे आलिंग। तो सामने आप लोग देख सकते हो लाल किला, और ऊपर के जो सात जो गुम्बज होता है वो सातों गुम्बज अभी नहीं लगा है, वो भी लगाया जाएगा, और अंदर भी लेके जाएंगे आप लोग, अंदर का फोटेज भी दिखाने वाले हैं हम लोग। और नॉइस थोड़ा इधर ज़्यादा होगा, हाँ ये व्हीकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इग्नोर करना वो चीज़ों को, और अंदर चलते हैं, अंदर का फोटेज दिखाते हैं, और ऊपर जो मेन कारीगर है सामने में बैठे हुए हैं उनसे भी आप लोग को बातचीत कराने वाले हैं, और उन्हीं के देख रेख में ये बन रहा है एक्चुअली में, तो वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अंदर चलते हैं फिलहाल। तूने महामारी मुझे जाबे आज आखिर पीठे पोड़ लो काठी उजह को जाऊं जो माटी। और कमेटी मेंबर से भी आप लोगों को बात कराऊंगा, कमेटी मेंबर फिलहाल अभी आए हुए नहीं है, मैं ऐसे कॉल किया था, बोले ऑलरेडी वो सुबह 5 बजे यहाँ से निकल गए हैं, तो उनसे बात हुआ है, बोले हैं कि आधे एक घंटे में आ रहे हैं, तो उनसे बात कराऊंगा, और कारीगर भी है ऊपर में उनसे भी बात कराऊंगा। और अंदर का आप लोग फोटेज चेक करो, जो आप लोग लाल किला जो एक्चुअली पूरा रेड एंड ब्राउन में जो है वो चीज़ पूरा यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, और काम मतलब बहुत जोरों शोर से चल रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी मैं 20 तारीख से विजिट कर रहा हूँ कंटिन्यू यहाँ पे, कि और लोग फोटेज देखोगे आप लोग, मैं रात में भी आया हूँ यहाँ पे, वो सभी वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। तो हुआ इस साइड का फोटेज, और इस साइड का फोटेज भी सेम चीज़ें हैं, जो आपका रेड कपड़ा और ब्राउन कपड़ा से दर्शाया गया है। और यहाँ अंदर में लेके चलते हैं, अंदर में एक्चुअली मूर्ति कल ही आया है, मूर्ति आपका कल नहीं परसों आया था ना, मूर्ति परसों आया था मूर्ति, मैंने ऐसे पता चल गया था मेरे को कि उस दिन आया था मूर्ति बोल के। और मूर्ति का फेस कवर करके रखा गया, फेस शो नहीं किया गया क्योंकि 1 तारीख को ओपनिंग है ना, तो इसलिए मूर्ति का फिलहाल फेस जो है न्यूज़पेपर से फोल्ड करके रख दिया गया है। हमारे तो दादा काम करिए सर, दादा प्रथम अपना नाम रुकी है আৰু কামটো কেনেকুৱা চলি আছে, পুৰা ভালকৈ চলি আছে, আজি কি কমপ্লিট হৈ যাব, আজি যেনেকুৱা কমপ্লিট কৰিব লাগিব না, আৰু দুদিনে বাচিলে দুৰ্গা পূজাত, আজি কমপ্লিট হ'ব পুৰা। দেখ সকতে গাইছ আপোনালোক, কাম চাম বহুত স্পীড চে কিয়া যা ৰা। आप एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, ये वायर जितना भी है ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कारीगर को काम करने में, ये वायर सब है, और पेड़ भी है, पेड़ तो जगह कम है यहाँ पे एक्चुअली में, यानी प्रॉब्लम हो ऐसा ना है काम करो थे वायर गिटा करान, प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम तो सुन ही रहे हो, भैया लोग भी बोल ही रहे हैं कि वायर एक्चुअली जो वायर है ना इधर पूरा इलेक्ट्रिसिटी का ये है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको खुद देखने में लगा, और पंडाल भी है, तो एक्चुअली जो पेड़ है पेड़ के नीचे में ही पंडाल है, तो उसके लिए भी और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ढाके ताले कोमर दोले खुशी ते नाचे मन आज पाचा। शॉट करने का भी बहुत दिकदार है, इसलिए काम लेट से किया गया है, क्योंकि और दिन में भी ऊपर ये सब चीजें ऊपर चढ़ाने में इजी नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, इस कारण से भी बहुत लेट किया गया है। तो हमारे साथ हमारे कारीगर भैया साथ में, तो भैया पहले तो आपका नाम पूछूंगा, अपना नाम? मेरा नाम अशोक दास है। अशोक दास, और पंडाल तो अपना देख रहे हो भीतर बनवा गया से बनाया
লাল কিলা দিল্লি লাল কিলা আর কেন প্রবলেম হয়ে আছে ইয়াতে কাম করা বহুত প্রবলেম হয়ে আছে भैया कहना सही एकदम जो भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका जैसे वायर देख सकते हो बहुत सारी वायर है और पेड़ तो है ही है पेड़ों का गोसा करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने भैया कहना एक्चुअली में क्या है कि जैसे भैया लोग ने सोचा था कि लाल किला को जैसे बनाया जाएगा उस जगह तो स्पेस ठीक है सर देख सकते हैं भैया का कहना भी एकदम सही है कि मतलब पेड़ तो है ही है और वायर भी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इधर में भी सेम है कहानी आपका वायर के लिए यहाँ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देख सकते हैं वायर भैया बोल रहे हैं अंदर घुसने नहीं पा रहे हम लोग एक्चुअली जो लगाते हैं ना वायर भी है तो वो बांध के रखा गया वायर को उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत भाल लगी लगा आपने लोग कोठाबारी धन्यवाद दादा। इतना प्रॉब्लमों के बाद भी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा होने वाला है गुवाहाटी में तो मैं तो यही बोलूंगा भैया जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग बिष्णुपुर काठपुल जो जगह है यहाँ पे विजिट करो और यहाँ देखो अभी तो काम चल रहा है एक्चुअली जो काम फिनिश हो जाएगा ना तब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अपने देश की सामान को दर्शाया जा रहा है ना तो वो चीज़ें बहुत अच्छा लगा तो यहाँ पे आइए अपने देश के बारे में बहुत चीज़ें जानने मिलेगा। अमृत महोत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरी वो सेलिब्रेट किया जा रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को यहाँ पे विजिट करना आप लोग। साथ कमेटी के मेंबर जुड़ चुके हैं तो भैया पहले तो मैं आपका नाम पूछूंगा आपका नाम। मेरा नाम रामा शंकर जायसवाल है और एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं मैं यहां पे क्या थीम होने वाला है इस बार? इस साल आपने देखा होगा जैसे इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स हो गया हमारा उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था अमृत महोत्सव 75 ईयर्स का ग्लोरी। तो वो चीज़ जो आपका बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर है इंडिया के जो उन लोगों की तस्वीरें भी दर्शाई जाएगी काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स है तकरीबन 16 फ्रीडम फाइटर्स को हमने यहाँ पे तस्वीर लगाई जाएगी और उनके बाहर और भीतर और उनके जीवनी के बारे में बताया जाएगा कब उनका जन्म हुआ मृत्यु हुआ क्या किया उनका क्या भागीदारी था देश की आज़ादी में वो सब दर्शाया जाएगा उसमें। तो एक क्वेश्चन और है इस बार यहाँ का पंडाल का कितना बजट? पंडाल का बजट हमारा 7 लाख का 7 लाख 7 लाख और इस बार जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोटोकॉल लाए हैं कि रिगार्डिंग पूजा के द्वारा कि बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा वो सब क्या लागू होगा? उसको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा लागू करने का बहुत सारे परमिशन से जैसे GMDA से है PWD से हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है चीज़ों के लिए आज और कल के भीतर में सारे परमिशन आ जाएंगे हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। लगलो दोला काशे बोने जितना हो सका हमने जानने की कोशिश किया यहाँ पे क्या बन रहा है और पता चली गया होगा आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बात बोलूँगा आप लोग विजिट करो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग विजिट करके और जो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना आप लोग यार। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।